आपका ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी के इस बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। मनोज झा से लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे तक ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की निंदा की है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इतिहास गवाह है कि किसने देश को विभाजित करने वाली ताकतों से हाथ मिलाया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा, कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था, जब भारत की ज्वेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। वहीं राहुल गांधी के अलावा आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इसे लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने क्या कुछ कहा था सुनिए। क्यों आप बार बार टिप्पणी लेते हैं, प्रधानमंत्री जी ने करेला मैं समझता हूँ बहुत खाते होंगे, हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, तो हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति करेले के गुण भी जानता है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग 25 लाख के स्वास्थ्य का कवर देना मुस्लिम लीग है, युवाओं 30 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी देना मुस्लिम लीग है। मतलब प्रधानमंत्री जी बिना मुस्लिम लीग वगैरह बोले आपका काम नहीं चलता है ना। सुबह शाम उठते बैठते यही महिला सुरक्षा को लेकर, महिला उद्यमों को लेकर के, अभी आपने हमारा नहीं देखा, तेजस्वी जी नौकरी के इर्द गिर्द आपको घेर के रख देंगे, क्योंकि बिहार में मतलब हो गया है तेजस्वी मतलब नौकरी, लेकिन यहां भी आएंगे तो वही ढपली वही राग। देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पद पे बड़े बड़े लोग रहे, आपका भी मूल्यांकन होगा। आज तो आप कोर्निस करने वालों के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, जिस दिन न्यूट्रल मूल्यांकन होगा ना, जब आप नहीं होंगे प्रधानमंत्री जी, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका मूल्यांकन किस प्रकार होगा। अब लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम लीग से शुरू हुई आरोप प्रत्यारोपों की ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है, ये देखना बाकी है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।